सीतामढ़ी जिला के एसपी मनोज कुमार तिवारी और अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी रामाकृष्णा अपराधी पकड़ने में बना लिया जिले के अंदर अलग पहचान। चार मोबाइल चोर और एक ऐसे दुकानदार को लिया गया हिरासत में जो इस गैंग के मोबाइल के लॉक तोड़ा करते थे। आइए आपको पूरी जानकारी अवगत कराते हैं डीएसपी रामाकृष्णा से। इस मामले की पूरी जानकारी अवगत कराई जाए सर। कर्तव्य से लौट रहे एक वकील से बुढ़ा चौक के नजदीक चार अपराधकर्मी जो कि एक मोटरसाइकिल से आए थे, उनके द्वारा हथियार के बल पर उनसे मोबाइल लूट लिया गया था। दो मोबाइल लूटी गई थी उनके द्वारा। इस पे एक 392 धारा आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के उपरांत थानाध्यक्ष आलोक कुमार और हमारे नेतृत्व में काम कर रहे थे, हम लोगों ने साठगांठ बैठाकर और उनके दलबल के साथ वो जो आवश्यक मानवीय एवं तकनीकी सूचना का संकलन करके उसके आधार पर जो चिन्हित किए गए अपराधी थे उन्हें पकड़ा गया। उनसे एक मोबाइल बरामद किया गया और उनसे फिर अगले पूछताछ के दौरान उनके अन्य साथी जो बाकी थे सभी को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से चारों अपराधी जो इस लूट की घटना को अंजाम देने में थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया। जो दूसरा मोबाइल था वो इन्होंने एक जगह पर लॉक खोलने के पर्पज से दिया हुआ था एक दुकानदार को। उनके यहाँ जाकर उस दुकानदार को भी हमने पकड़ा और उनसे भी जो मोबाइल थी वो भी बरामद की। इस तरीके से लूटी गई दोनों मोबाइल और इसमें शामिल चारों लड़के एवं जो उसका अग्रिम काम करना लॉक खोलना इत्यादि में शामिल एक और युवक, पांचों लोगों को पकड़कर माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड किया जा रहा है।